बातचीत शुरू हो गई पवन सिंह के हीरोइनों में ही तकरार। पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए खबर पे बात करते हैं। आप सभी को बता दूं कि पवन सिंह का गाना आया लहंगा लॉस लॉस करता, जिस गाने ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो हम सोच नहीं सकते थे 10 मिलियन के आंकड़े को एक दिन में पार किया। वहीं पे अभी लास्ट पवन सिंह का जो गाना आया है कि रंग सगरे घसाई, जिसमें पवन सिंह के साथ अंजना सिंह दिखे, उस गाने ने भी एक दिन में 5 मिलियन के आंकड़े को पार किया। कहीं ना कहीं दोनों गाने को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा टकराव हो रही है। पवन सिंह हमेशा ही अपने गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अंजना सिंह के कमेंट बॉक्स में जब हमने कमेंट देखा तो हम दंग रह गए। उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह के साथ इस बार नीलिमा गिरी चमक गई है। तो इस पे अंजना सिंह ने ऐसा कुछ जवाब दिया है जो आप सुन के रह जाएंगे हैरान। अंजना सिंह कहती है ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, अंजना सिंह का कहना है कि जो पुरानी जोड़ी है वो तो ज़बरदस्त है ही, और इस समय पवन सिंह और अंजना सिंह काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि पवन सिंह के मुश्किल वक्त में अंजना सिंह ने उनका खूब साथ दिया था। वहीं नीलम गिरी जी भी पवन सिंह के साथ फर्स्ट टाइम नज़र आई थी, तो उनकी जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। नीलम गिरी जी अभी भोजपुरी में सभी के साथ काम करी, तो ओवरऑल देखा जाए तो पवन सिंह, नीलम गिरी और अंजना सिंह तीनों ही सुपरहिट है, लेकिन अंजना सिंह को काफ़ी ज़्यादा, मतलब पवन सिंह के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया जा रहा है। 3 साल बाद यह जोड़ी वापस आई, लेकिन ऐसी वापस आई कि जो हमने सोचा भी नहीं था। इनकी फिल्म भी मेरा भारत महान जल्द ही हमारे बीच आने वाला है। इनका गाना ने तो धमाका कर दिया, अभी देखना होगा कि इनकी फिल्म कितना धमाका करती है। स्वाभिमान में कौन सी हीरोइन होगी, जल्द ही हम आपके लिए पूरी न्यूज़ लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।